Hello dear students, welcome to our YouTube channel Career Planet. Myself Shelly Gurwani and we are doing practice paper for CBSE and RBSE exams. So हम start कर रहे हैं worksheet 2. ठीक है, तो बच्चों देखो worksheet 2 में question number 1 है, why solids are hard. तो बच्चों आपको पता है matter की तीन state होती है, solid, liquid और gas. अब solids hard क्यों है, तो हम कहेंगे solid matter की वो state है जहाँ पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस जो है वो बिल्कुल कम है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, मैक्सिमम है. दैट्स व्हाई सॉलिड्स आर हार्ड. तो आपको क्या लिखना है, सॉलिड इज द स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड इज द स्टेट ऑफ मैटर state of matter in which inter-particle distance, है ना, particles के बीच का जो distance है, ठीक है, inter-particle distance is minimum. inter-particle distance is minimum and force of attraction force of attraction is maximum. ठीक है, तो बच्चों पार्टिकल बिल्कुल पास पास में रहेंगे और अट्रैक्शन भी ज़्यादा रहेगा, है ना, तो क्या होगा, तो हम कहेंगे कि इस सिचुएशन में पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोज रहेंगे तो सॉलिड का फिजिकल स्टेट क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, या सॉलिड जो है वो हार्ड हो जाएगा. ठीक है, सो सॉलिड्स आर हार्ड. नाउ व्हाई डू सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम. अब बच्चों सॉलिड्स का वॉल्यूम जो है वो डेफिनेट क्यों होता है, तो डेफिनेट मतलब क्या, फिक्स्ड वॉल्यूम, है ना, जितना आपको वॉल्यूम बताया है कि भाई इतनी हाइट पे जा रहा है, इतना ब्रेड है, इतना लेंथ है, तो वो सब कुछ फिक्स्ड है. ठीक है, तो सॉलिड का डेफिनेट वॉल्यूम क्यों है, तो हम कहेंगे हर पार्टिकल अपनी अपनी जगह पे बैठा है, मूव नहीं कर रहा. अदर स्टेट होता जैसे गैस है तो पार्टिकल्स क्या होता है, रेंडमली मूव करते. तो बच्चों अगर पार्टिकल्स रेंडमली मूव करेगा तो फिर क्या होगा, है ना, वॉल्यूम जो है वो फिक्स नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम, तो हम कहेंगे कि भाई इन सॉलिड्स क्या होगा, तो इन सॉलिड्स पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज फिक्स्ड. And they can't move from their position. ठीक है, पार्टिकल जो है वो अपनी पोजिशन से मूव नहीं कर सकते. ठीक, सो दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम. ये तो सिंपल क्वेश्चन है आपके, आगे चलते हैं बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सॉलिड ए इज वेरी हार्ड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट. ठीक है, सॉलिड स्टेट और मोल्टन स्टेट दोनों में ही क्या है, इंसुलेटर है. ठीक है, मोल्टन स्टेट ऑफ एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, वॉट टाइप ऑफ सॉलिड इज इट. तो बच्चों एक सॉलिड आपको दे दिया, अब सोचो कि सॉलिड हार्ड तो है, सारे सॉलिड हार्ड होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर सॉलिड स्टेट में भी और मोल्टन स्टेट में भी इंसुलेटर है. अब अगर मैं दो तरह की बात करूं, मैं एक तो सॉलिड मतलब ट्रू सॉलिड की बात कर रहा, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात कर रहा. ठीक है, क्योंकि अगर मैं अमॉर्फस का कोई एग्जांपल ले लूं, जैसे मान लो प्लास्टिक ले लिया, ग्लास ले लिया, तो सारी प्रॉपर्टी तो मिल जाएगी, लेकिन वो सुपर कूल्ड लिक्विड है, ट्रू सॉलिड तो नहीं है ना. तो यहाँ हम मान के चलेंगे भाई ये ट्रू सॉलिड यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात कर रहा. क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमने पढ़ा था मेटेलिक सॉलिड, तो मेटल हार्ड होता है लेकिन कंडक्टर होता है, वो तो सॉलिड स्टेट में कंडक्टर है. लेकिन आपसे कहा कि नहीं भाई ये तो इंसुलेटर है सॉलिड स्टेट, तो हम कहेंगे मेटेलिक सॉलिड तो क्रॉस लगा दो, वो तो नहीं है. नेक्स्ट आयोनिक सॉलिड हमने पढ़ा था, जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स है, तो बच्चों आयोनिक कंपाउंड मोल्टन स्टेट में सारे आयन्स दूर दूर हो जाते हैं, कैटायन अलग, एनायन अलग, तो फिर करंट तो आएगा, है ना. आयोनिक कंपाउंड एक्वो सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट में तो कंडक्टर होते, सॉलिड में नहीं होते, तो फिर वो भी प्रॉपर्टी मैच नहीं हुआ.
फिर हमने पढ़ा था कोवेलेंट 3D नेटवर्क सॉलिड. तो बच्चों कोवेलेंट 3D नेटवर्क सॉलिड में क्या होगा, तो हम कहेंगे वो सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर होते और बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए उनका नेटवर्क ब्रेक करने के लिए. ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड भी लिख सकते थे लेकिन एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए था मोल्टन स्टेट में लाने के लिए. तो हम कहेंगे कि हाँ, मोल्टन स्टेट ऑफ एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, ये सिचुएशन जो है, ये कैरेक्टर जो है, ये हमें देखने को मिलता है कोवेलेंट 3D नेटवर्क सॉलिड. तो आपको सिर्फ एक लाइन लिखनी है, व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड इज इट. तो आपको लिखना है दीज कैरेक्टर्स या दीज प्रॉपर्टीज बिलोंग्स टू these properties belong to covalent 3D network solid. ठीक है बच्चों, जो covalent 3D network solid है उनमें ये characters हैं. Example, तो हम कहेंगे example बहुत सारे पढ़े थे हमने. Example आपका हो सकता है diamond. ठीक है, तो diamond ठीक है, या फिर आपको लिखना है boron carbide, B2C, बोरॉन कार्बाइड. ठीक है, कार्बोरेंडम, सिलिकन कार्बाइड, SiC एक्सेट्रा. ठीक है, नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लैटिस पॉइंट. तो बच्चों लैटिस पॉइंट मतलब एक परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड. तो हम कहेंगे जैसे NaCl का सॉलिड ले लेते हैं. अब NaCl में आपको पोजीशन पता होनी चाहिए कि भाई Na प्लस कहाँ है, Cl माइनस कहाँ है. जैसे Na प्लस कहाँ होता है या Cl माइनस कहाँ होता है, तो हम कहेंगे Cl माइनस तो FCC लैटिस बनाता है, कॉर्नर पे होता है ना, और फेस के सेंटर पे होता है. अब Na प्लस कहाँ होता है, तो Na प्लस एच सेंटर पे होता है और बॉडी के सेंटर पे होता है ना. तो हम कहेंगे भी हाँ, जगह हमें पता है, तो उस जगह को क्या बोल रहे हैं, लैटिस पॉइंट. ठीक है, तो एक प्रॉपर क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर अगर आपको हर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का प्लेस पता है कि वो कॉर्नर पे है, फेस सेंटर पे है, एच सेंटर पे है, कहाँ है, अगर आपको पोजिशन पता है, मतलब आपको लैटिस पॉइंट पता है. ठीक है, तो व्हाट इज लैटिस पॉइंट, तो हम लिखेंगे पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल. अब बच्चों कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो एटम हो सकता है, आयन हो सकता है या मॉलिक्यूल भी हो सकता है. तो पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, वेदर इट इज एटम, आयन और मॉलिक्यूल इन स्पेस लैटिस. ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, तो दैट पोजिशन इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट. ठीक है, सो ये हमारा हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन, लैटिस पॉइंट क्या है. नाउ नेम द पैरामीटर्स विच आर कैरेक्टराइज अ यूनिट सेल. तो बच्चों एक यूनिट सेल को कैरेक्टराइज करने वाले पैरामीटर्स बताना है. ठीक है, तो हम कहेंगे भाई एक यूनिट सेल को कैरेक्टराइज करने के लिए 6 पैरामीटर होते हैं, एक्सियल डिस्टेंस और एक्सियल एंगल. ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, देयर आर 6 पैरामीटर्स, देयर आर 6 पैरामीटर्स to characterize a unit cell. ठीक है, या to define a unit cell. अब एक unit cell मतलब क्या, तो हम कहेंगे भाई unit cell मतलब cube दे दो. ठीक है, तो cube में हमारे पास 3 edges के around 3 axis है ना, ये आपकी x axis, y axis और ये z axis, और इन तीनों axis के around क्या है, तो हम कहेंगे एंगल है. तो एंगल तो हो गए अल्फा बीटा गामा, और एक्सिस हो गई हमारी ए बी और सी. तो हम कहेंगे एक यूनिट सेल को कैरेक्टराइज करने के लिए हमारे पास 6 पैरामीटर है टोटल. ठीक है, सो द डायमेंशन ऑफ द यूनिट सेल अलोंग द 3 एजेस, भाई 3 एजेस के अराउंड जो डायमेंशन है वो क्या, एक्सियल एक्सिस है ना. तो हम कहेंगे द डायमेंशंस along the three edges, in a unit cell
ठीक है, दैट इज एक्सियल लेंथ कह दो, एक्सियल लेंथ है ना, यानी कि ए बी एंड सी, एंड एंगल अलोंग दीज एक्सिस, ठीक है, इन एंगल्स की, इन एक्सिस के बीच बीच में जो एंगल है यानी कि अल्फा बीटा गामा, ठीक है, अलोंग दीज एक्सिस दैट इज अल्फा बीटा और गामा आर पैरामीटर्स टू डिफाइन अ यूनिट सेल, ठीक है भाई। हम यूनिट सेल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो हम कहेंगे एक एक एक्सिस की लेंथ चेक कर लो, सेम आ रही है कि डिफरेंट आ रही है, सेम हो भी सकती है, अलग भी हो सकती है, और एक्सियल एंगल अल्फा बीटा गामा 90 में भी हो सकता है, 90 से चेंज भी हो सकता है, आपस में बराबर भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो हम कहेंगे ये पैरामीटर्स है टू डिफाइन अ यूनिट सेल, एक यूनिट सेल को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज द टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर इन स्क्वायर क्लोज्ड पैक्ड लेयर। अब स्क्वायर क्लोज पैकिंग बतानी है, ठीक है, और टू डायमेंशनल में, थ्री डी में नहीं, मतलब पहली लेयर बना दो, उसके ऊपर कुछ नहीं रखना है और ना ही नीचे कुछ रखा हुआ, सिंगल लेयर बनानी है। तो बच्चों स्क्वायर क्लोज पैकिंग, तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग आपने पढ़ा था, इन सच टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन सच अ मैनर दैट दे हैव सिमिलर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट, ठीक है। मतलब देखो जैसे मैंने पार्टिकल्स रखे हैं ना, तो पार्टिकल्स को बच्चों ऐसे रखना है कि सबके सब एक सीध में हो, है ना, सिमिलर वर्टिकल अलाइनमेंट, सिमिलर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, मतलब एक सीध में रखने हैं। तो ये है स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D, ठीक है। अब भाई स्क्वायर ही क्यों बोला, कुछ और बोल देते, तो पहले तो मैं लिख दूं स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो बच्चों मिडल लेयर का एक पार्टिकल, इन सच पैकिंग मिडल लेयर पार्टिकल टचेस टू फोर अदर पार्टिकल्स एंड बाय कनेक्टिंग देयर सेंटर वी गेट स्क्वायर, ठीक है, इसलिए हम इसे बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब बीच का एक पार्टिकल कितने पार्टिकल को टच करता है, तो 2D है, मतलब ऊपर नहीं देखना है, नीचे नहीं देखना है, इसी में देखना है। तो तुम देखो बीच का एक पार्टिकल है ना कितने को टच कर रहा है, तो हम कहेंगे स्क्वायर कैसे बनेगा, चार से बनेगा, इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है और इसको टच कर रहा है, ठीक है। तो हियर कोऑर्डिनेशन नंबर किसका, तो हम कहेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग का, स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर लिख देते हैं, चलो क्वेश्चन कह रहा हूँ, है ना, इन 2D टू डायमेंशनल में, मतलब समझे ना, एक ही लेयर बनानी है तो कितने को टच कर रहा है, तो हम कह रहे हैं 4 को टच कर रहा है, सो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 4, क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिस हैज द हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी, तो बच्चों सिंपल क्यूबिक, BCC, HCP या FCC, तो हम कहेंगे सिंपल क्यूबिक में तो हमने पढ़ा था, कितना पढ़ा था, पैकिंग एफिशिएंसी होती है 52.4, BCC में कितनी होती है, तो 68%, और HCP लैटिस में कितनी थी, तो हमने पढ़ा था 74%। अब आपसे पूछा है हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी, तो आप आंसर टिक कर दो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। नाउ डिस्क्राइब द टर्म अमॉर्फस, गिव अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ अमॉर्फस सॉल्व, तो बच्चों हम कहेंगे अगर मैं सॉलिड की बात करूँ तो दो तरह के सॉलिड होते हैं, एक तो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, उसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा इररेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, शॉर्ट रेंज ऑर्डर ऑफ पार्टिकल, उसे हम क्या कहते हैं, अमॉर्फस सॉलिड। तो हम कहेंगे अमॉर्फस टर्म मतलब, तो हम कहेंगे दिस इज या व्हेन देयर इज इररेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, इररेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन अ सॉलिड,
दैट इज शॉर्ट रेंज ऑर्डर, है ना. शॉर्ट रेंज ऑर्डर मतलब थोड़े टाइम तक तो आपको लगेगा कि हाँ वेल डिसिप्लिन पार्टिकल है, फिर सारे बिखर जाएंगे, फिर वेल परफेक्ट लगेगा, फिर बिखर जाएंगे. तो शॉर्ट रेंज ऑर्डर देन इट इज कॉल्ड अमॉर्फस सॉलिड. ठीक है भाई, अमॉर्फस सॉलिड. फिर हम कहेंगे भाई सॉलिड तो है लेकिन वास्तव में सॉलिड मानते नहीं है इसको, तो अमॉर्फस सॉलिड मतलब दे आर स्यूडो सॉलिड, और आप कह सकते हो सुपर कूल्ड लिक्विड. नाउ गिव फ्यू एग्जांपल्स ऑफ अमॉर्फस सॉलिड. तो बच्चों अब जो क्रिस्टल नहीं है वो अमॉर्फस है, तो हम कहेंगे हाँ भाई ऐसे तो बहुत सारे हैं लाइक ग्लास, रबर, ये सब आपको सॉलिड स्टेट में जरूर मिलते हैं लेकिन वेल पैक्ड स्ट्रक्चर नहीं होता, प्लास्टिक एंड वुड. ठीक है, इसमें आप भी लिख सकते हो दे डू नॉट हैव अ वेल पैक्ड स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. ठीक है, सो कंप्लीट हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड. ठीक है, तो बच्चों देखो पॉली यूरिथिन, तो पॉलीमर जितने भी है ना वो आपके सारे अमॉर्फस फॉर्म में है, तो पॉली यूरिथिन, नेफ्थलीन फिर आपका क्रिस्टल हो गया, है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, बेंजोइक एसिड क्रिस्टलाइन सॉलिड है, टेफ्लॉन फिर एक तरह से पॉलीमर हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट आयोनिक कंपाउंड है, सेलफोन सेलोफेन ये सेलफोन है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, फाइबर, ग्लास, ये सब क्या है अमॉर्फस, और कॉपर, तो कॉपर आपके पास हो गया मेटेलिक सॉलिड. ठीक है, तो हम इस तरह से लिख देते भाई अमॉर्फस में कौन कौन है और दूसरा क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन कौन से है. तो अमॉर्फस सॉलिड में सबसे पहले आपको क्या लिखना चाहिए, तो हम कहेंगे अमॉर्फस में हो गया पॉली यूरिथेन फिर टेफ्लॉन. सो पॉली यूरिथेन देन टेफ्लॉन, ठीक है, ये सारे क्रिस्टलाइन है ही सही, फिर सेलोफोन याद आ गया मुझे, सेलोफेन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, फाइबर, ग्लास में तो दिक्कत है ही नहीं. ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, दीज आर अमॉर्फस सॉलिड. अब बचे हुए जो हैं बच्चों वो सारे के सारे क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड. तो अब बचा क्या, तो हम कहेंगे अब बच गया नेफ्थलीन, सो नेफ्थलीन, बेंजोइक एसिड, ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है ये सारे, नेफ्थलीन, बेंजोइक एसिड, पोटेशियम नाइट्रेट को ऐसे लिख दूँ KNO3, और कॉपर आयोनिक सॉलिड, ये मेटालिक सॉलिड. ठीक है, नाउ व्हाई इज ग्लास कंसिडर्ड अ सुपर कूल्ड लिक्विड. तो बच्चों ग्लास हमें पता है क्रिस्टल तो है नहीं, तो क्रिस्टल नहीं है तो अमॉर्फस है. अब अगर आपने देखा हो तो पुरानी खिड़कियों के जो कांच होते हैं, है ना, वो नीचे से ब्लंट हो जाते हैं, नीचे से थिकनेस बढ़ जाती, क्यों, तो हम कहेंगे ग्लास जो है उसमें फ्लोइंग टेंडेंसी है ना, ग्लास जो फ्लो करता है बहुत धीरे धीरे फ्लो करता है लेकिन फ्लो करता है, तभी तो हम देखते हैं पीछे से जो ग्लासेस है बहुत पुराने ग्लासेस है वो थिकनेस नीचे से बढ़ जाती है उनकी, क्योंकि फ्लो करके नीचे ही आएगा, है ना. तो ये टेंडेंसी किसकी है, तो हम कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड में तो फ्लोइंग टेंडेंसी नहीं होती क्योंकि वो तो ट्रू सॉलिड है, लेकिन ये क्या है एक तरह से लिक्विड है. अमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं, वो सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं, इसलिए उनमें क्या होती है फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, है ना, और ग्लास फ्लो करता है. ठीक है, तो हम लिखेंगे इन अमॉर्फस सॉलिड या इन अ सुपर कूल्ड लिक्विड, इन अ सुपर कूल्ड लिक्विड देयर इज अ टेंडेंसी टू फ्लो, टेंडेंसी टू फ्लो बट इट इज वेरी स्लो, है ना, बहुत टाइम लग जाता है लेकिन होती है टेंडेंसी, बट इट इज वेरी स्लो. ठीक है, व्हेन वी ऑब्जर्व द ग्लास, है ना, जब हम ग्लास को स्टडी करते हैं, ऑब्जर्व द ग्लास, वी सी दिस प्रॉपर्टी,
ग्लास शोज टेंडेंसी ऑफ फ्लो. ग्लास क्या करता है तो हम कहेंगे फ्लोइंग टेंडेंसी शो करता है, है ना. जब भी हम ग्लास को स्टडी करेंगे तो आप क्या देखोगे बच्चों कि ग्लास में फ्लो करने की टेंडेंसी है. तो ये टेंडेंसी तो कब हो सकती है, जब वो क्या हो, वो क्रिस्टल ना हो, है ना. सो अमॉर्फस सॉलिड हैव टेंडेंसी टू फ्लो, लेकिन स्लो होती है. लेकिन ये टेंडेंसी इसमें नहीं होती, है ना, क्रिस्टल्स में नहीं होती. सो वी सी दैट ग्लास शोज टेंडेंसी टू फ्लो, सो इट इज कंसिडर्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड, ठीक है, या स्यूडो सॉलिड या अमॉर्फस सॉलिड, क्लियर. तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सॉलिड इज ऑब्जर्व टू हैव द सेम वैल्यू अलोंग ऑल द डायरेक्शंस. कमेंट ऑन द नेचर ऑफ सॉलिड, वुड इट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी. अब बच्चों देखो, हर दिशा में अगर आंसर सेम आ जाए, है ना, इफ फिजिकल प्रॉपर्टीज आर फाउंड सेम इन ऑल द डायरेक्शन, मीन्स सॉलिड कौन सा है तो क्रिस्टल नहीं है, वो क्या है, अमॉर्फस सॉलिड है. तो हम क्या लिखेंगे कि भाई हमें तो सेम प्रॉपर्टी मिली, सिंस वी फाउंड सेम वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेम वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ऑल द डायरेक्शंस. Same value of refractive index in all the directions. So this property is, अच्छा सारी दिशाओं में value same मिले, same value in all the direction, इसे क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं isotropy. So this property is called isotropy. तो हम कहेंगे ठीक है isotropy. अब आइसोट्रोपी और एनआइसोट्रोपी हमने पढ़ा. एनआइसोट्रोपी मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वैल्यू, सो वो एनआइसोट्रोपी हो गया. तो क्रिस्टल की प्रॉपर्टी है. आइसोट्रोपी बिलोंग्स टू अमॉर्फस सॉलिड, तो ये सॉलिड कौन सा है, तो हम कहेंगे ये तो अमॉर्फस सॉलिड है. तो आइसोट्रोपी रेफर्स टू, आइसोट्रोपी रेफर्स टू अमॉर्फस सॉलिड, ठीक है भी, refers to amorphous solid, ठीक है. So this solid is amorphous solid. Now would it show cleavage property? तो बच्चों cleavage property क्या होती है, जैसे अगर आपके पास perfect solid है, ठीक है, मान लो आपके पास एक perfect solid है, है ना, और हम क्या करते हैं इसको cut करते हैं ऐसे, ठीक है, cut. तो बच्चों जब आप इसे काटते हैं तो ये जो इसके क्या बोलते हैं एजेस हैं, अगर ये बिल्कुल क्लीन है, शार्प एजेस हैं, है ना, बिल्कुल देखो भाई अगर क्रिस्टल होगा तो एकदम क्लीन परफेक्ट ना, एकदम स्मूथ एजेस मिलेंगे आपको. तो अगर ये क्लीन एजेस हैं बच्चों, तो क्लीन एजेस तब होंगे जब वो क्रिस्टलाइन सॉलिड हो, ठीक है. लेकिन आपके पास तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ही नहीं, आपने तो देखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर डायरेक्शन में सेम आया, मतलब आपके पास सॉलिड कौन सा है, अमॉर्फस सॉलिड. और अगर एजेस क्लीन नहीं आते, है ना, मतलब देखो एजेस जो है ना ऐसे आ रहे रिजेस वाले, ठीक है, तो नॉट क्लीन एजेस, ठीक है. तो अगर एजेस क्लीन नहीं है तो ये प्रॉपर्टी किसकी है बच्चों, तो ये प्रॉपर्टी है अमॉर्फस सॉलिड. तो हम कहेंगे भाई ये तो अमॉर्फस सॉलिड का है. अब आप बताओ तो आपके पास क्या है, अमॉर्फस सॉलिड, तो आपको क्या लिखना है, अमॉर्फस सॉलिड डू नॉट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी, ठीक है ना, एकदम क्लीन एजेस मिलना मतलब क्लीवेज होना, और यहां तो हुआ नहीं, ठीक है. तो अमॉर्फस सॉलिड डू नॉट शो, डू नॉट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी बिकॉज, cleavage property because by cutting a sharp tool, है ना, जब आप इसको कोई sharp tool से काटते हैं, by cutting a sharp tool,
एंड डजेंट फॉर्म क्लीन एजेस, है ना, क्लीन एंड स्मूथ एजेस. ठीक है, तो बच्चों क्लीन एजेस आते हैं, समझे ना, एकदम सपाट से कट जाते हैं, एकदम प्लेन सरफेस आती है. तो प्लेन सरफेस आना, क्लीन एजेस आना या प्लेन सरफेस आना, ये प्रॉपर्टी किसकी है? तो बच्चों ये प्रॉपर्टी है क्रिस्टल की. लेकिन अमॉर्फस में बिल्कुल क्लीन नहीं आता है, तो ये प्रॉपर्टी हो गई अमॉर्फस की. क्लियर? तो अच्छा क्वेश्चन है एक तरह से. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपाउंड फॉर्म्स हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स इन 0.5 मोल ऑफ इट? हाउ मेनी ऑफ दीज आर टेट्राहेड्रल वॉइड्स? तो बच्चों एक कंपाउंड HCP पैकिंग में है, ठीक है. अब कंपाउंड में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, सॉरी व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स इन 0.5 मोल ऑफ इट? कंपाउंड में एटम्स कितने, तो 0.5 मोल है, ठीक है. तो मैंने क्या लिख दिया, लेट द नंबर ऑफ एटम्स, अगर कंपाउंड ही 0.5 मोल है तो उसमें जो एटम है वो भी तो 0.5 मोल ही हुए ना, तो लेट द नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू, तो वो हो गया, यहाँ कितना गिवन है, लेट नहीं लिखते, नंबर ऑफ एटम्स इन HCP, तो वो हम कह रहे हैं 0.5 मोल. ठीक है, अब 0.5 मोल है, एटम पूछा है, तो बच्चों 1 मोल कितना होता है, तो हम कहेंगे भाई 1 मोल होता है 6.02 इंटू 10^23 एंटिटीज. एटम है तो एटम लिखो, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल लिखो, तो हम कहेंगे 0.5 मोल, यानी कि 0.5 इंटू 6.02 इंटू 10^23 इतने एटम्स हैं. ठीक है, तो ये हो गया आपका 3.01 इंटू 10^23 एटम्स. अब हमने क्या पढ़ा है कि जितने एटम्स HCP लैटिस में होते हैं उतने के उतने ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं. तो ठीक है, हाउ मेनी ऑफ दीज आर टेट्राहेड्रल, तो ऑक्टाहेड्रल भी लिख लेते मान लो अगर एग्जाम में आ जाता तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड. तो बच्चों जितने एटम HCP लैटिस में होते हैं उतने के उतने ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड रहेगा 3.01 इंटू 10^23. ठीक है, ये आपके हो जाएंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड. और टेट्राहेड्रल वॉइड बच्चों ऑक्टाहेड्रल का जस्ट डबल होते, तो अगर मैं कहूँ कि भाई नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स बताओ, तो आप कहोगे ऑक्टाहेड्रल का जस्ट डबल, यानी 3.01 मल्टीप्लाई विथ 2 इंटू 10^23. ठीक है, तो अगेन हो जाएगा 6.02 इंटू 10^23 टेट्राहेड्रल वॉइड्स. ठीक है, तो ये और टोटल पूछे तो इनको ऐड कर देना, सिंपल क्वेश्चन है ये भी, लेकिन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है. नाउ अ कंपाउंड इज मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स एम एंड एन. The element N forms CCP and atoms M occupy 1/3 of tetrahedral void. What is the formula of compound? तो भी पूरा lattice दो जनों से मिलके बना है M और N. अब बच्चों M कहाँ है, सॉरी N कहाँ है, तो N बना रहा है CCP. तो आपको क्या करना है कि जो CCP बनाता है, ठीक है, जो एटम CCP बनाता है उसको आपको मानना है, वो N है, 100 है, 200 है, जो भी आप X मान लो, ठीक है, तो नंबर ऑफ एन एटम्स ये हम मान लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ कैपिटल एन एटम्स. ठीक है, तो ये मैंने मान लिया कि भाई एन एटम्स जो CCP बना रहे हैं ना वो 100 है. ठीक है, अब बच्चों जितने एटम्स CCP बनाते हैं उतने के उतने ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो वो मैंने मान लिया 100. आप चाहो तो एन लिख सकते हो, एन लिख सकते हो. और टेट्राहेड्रल, तो बच्चों टेट्राहेड्रल उसका जस्ट डबल होता है, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल, तो ये हो जाएगा 200. अब आपसे पूछा है M जो है वो 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करता है, तो नंबर ऑफ क्या बताना है, M एटम्स. तो भाई टेट्राहेड्रल का 1/3, टेट्राहेड्रल कितना है 200 और इसका 1/3, तो ये हो गया 200 डिवाइडेड बाय 3. अब आपको फॉर्मूला बताना है, तो M रेशियो N, तो M कितना है, तो मैं कह दूंगी 200 बाय 3,
ठीक है, और n कितना है तो हम कह देंगे 100। अब ये कैंसिल हो गया, ठीक है, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या होगा, 3 3 यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 और वहाँ हो जाएगा 3, सही। तो m रेशियो n हो गया 2:3, तो फॉर्मूला क्या होगा, m2n3। तो यहाँ आपका फॉर्मूला सेट हो गया m2n3, क्लियर। m जो है वो 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड है, तो टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल 100 थे, ये 200 हो गए, तो 200/3, ठीक है ना, कोई दिक्कत थोड़ा ना यहाँ पे, तो m2 और n3, क्लियर। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो बच्चों आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस के साथ। टिल देन कीप स्टडिंग एंड टेक केयर।